मीनिंग ऑफ प्रमोशन और प्रमोटर्स। सिंपल सी भाषा में प्रमोशन वो सारे स्टेप्स है जो कि एक प्रमोटर लेता है टू ब्रिंग द कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस। कंपनी खोलने का आइडिया जिस इंसान को आता है उसको प्रमोटर बोलते हैं। एक इंसान, ग्रुप ऑफ इंसान रहा तो उसको सिंडिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंडिकेट। इन लोग को आइडिया आने के बाद ये लोग सारे स्टेप्स लेते हैं कंपनी को शुरू करने के लिए। तो स्टेप्स क्या होगा? डॉक्यूमेंट्स लाइक मेमोरेंडम आर्टिकल्स बनाना, सबमिट करना रजिस्ट्रार के पास, उसके बाद रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। जिस दिन उसने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया उस दिन कंपनी का जन्म होता है। फिर और प्रोसेस करने का कैपिटल के संबंधित, उसके बाद मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट जिसके बाद धंधा शुरू किया जा सकता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से कंपनी का जन्म होता है लेकिन कंपनी बिजनेस शुरू नहीं कर सकता। दे हैव टू वेट फॉर वन मोर सर्टिफिकेट। वो क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इन बोथ दी केसेस ये कौन देता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट का अपॉइंट किया हुआ एम्प्लॉय। हर स्टेट में एक एक रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र में दो, तमिलनाडु में दो, क्योंकि कंपनीज ज्यादा है। आया समझ में? सो बट क्वेश्चन ये है, प्रमोटर कौन है? मैं तुम्हारे लिए एक लाइव एग्जांपल लेता हूं प्रमोटर का। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो आज जाना जाता है, शुरुआती दौर में 1960s में उसके दो प्रमोटर्स थे, धीरूभाई अंबानी और चंपकलाल दमानी। दमानी डीमार्ट का दमानी। एक साल बाद दोनों अलग हो गए लेकिन उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन शुरू किया। बाद में रिलायंस टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड वो हुआ इनकॉरपोरेटेड, मतलब रजिस्टर्ड। और फिर 1984 के आसपास उन्होंने शेयर्स पब्लिक में लाए, तो प्राइवेट लिमिटेड वाले शेयर्स पब्लिक में नहीं ला सकते, पब्लिक में लाया तो वो पब्लिक लिमिटेड हो गए। तो आज के तारीख में रिलायंस के शेयर्स शेयर बाजार में बिकते हैं। तो रिलायंस इज नाउ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन इंडिया। इनफैक्ट उसके जो शेयर की वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, वो 20 लाख करोड़ है, जो इंडिया में सबसे ज्यादा, वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी है दैट इज एप्पल, उसका 100 लाख करोड़ के ऊपर है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, प्रमोशन वो सारे नेसेसरी स्टेप्स जो प्रमोटर लेता है कंपनी शुरू करने। मोर देन वन प्रमोटर, उसको टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे? सिंडिकेट। अब जैसे होंडा मोटर कॉर्पोरेशन जापान ने इंडिया में होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स लिमिटेड ओपन किया, तो एक प्रकार का सिंडिकेट हुआ ना, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं, तो ये सिंडिकेट हुआ। बट प्रमोटर में और भी डायमेंशंस है। अब ध्यान से सुनना मैं जो डायमेंशंस बता रहा हूं। इस साल से पहले जोमेटो के शेयर्स पब्लिक में नहीं थे, पेटीएम के शेयर्स पब्लिक में नहीं थे, एलआईसी के शेयर्स पब्लिक में नहीं थे, बर्गर किंग, पतंजलि, इनके शेयर्स पब्लिक में नहीं थे। जब एक कंपनी पहली बार शेयर्स बाजार में लाती है तो उसको क्या बोलते हैं? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। यस, कुछ क्वेश्चन है? आंसर पता था? हाँ वेरी गुड। आईपीओ क्या बोलते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफर। नासिक का सुले विनियार्ड्स का भी, सुला का भी आएगा आईपीओ, कुछ महीने में आना चाहिए। इसका मतलब वो अभी पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है, इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड मतलब वो शेयर बाजार में लाएगा और फिर उसके शेयर बाजार में बिकेंगे। जिस दिन खरीदी होगी शेयर बाजार में उसको लिस्टिंग बोलते हैं। तो प्रमोट, जब सुला का ले लो भाई, वाइन का एग्जांपल है, तुमको तो अच्छा ही लगेगा वाइन का एग्जांपल सुन के। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि तुमको शेयर के लिए अप्लाई करना है तो कुछ तो फॉर्म भरना पड़ेगा। तो सुला जब आईपीओ लाएगा, मुझे लगता है नवंबर तक, दिसंबर तक आ जाना चाहिए उनका आईपीओ, तो उनको एक डॉक्यूमेंट फ्री ऑफ चार्ज तुमको देना पड़ेगा भरने के लिए।
उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं प्रोस्पेक्टस, PROSPECTUS। एक एग्जांपल लेता हूं, तुमने 11th के एडमिशन के लिए या कॉलेज के एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा, फिर प्रिंट आउट लिया होगा। उसी प्रकार से शेयर्स खरीदने के लिए कंपनी प्रोस्पेक्टस बाजार में लाती है, तुमको वो फॉर्म भरना है, साथ में चेक या तो ऑनलाइन ट्रांसफर करना है। हालांकि आजकल सब ये ऑनलाइन हो जाता है, तो उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस। सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। नहीं, उसको टेक्निकल नाम है प्रोस्पेक्टस, सर्टिफिकेट नहीं बोलते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है जो रजिस्ट्रार देता है, जो कंपनी इश्यू करता है फॉर्म भरने के लिए उसको प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, सर्टिफिकेट कतई ही नहीं बोलते हैं। तो तुम वो फॉर्म भरोगे, लेकिन नवी कंपनी तो कैसे पता चलेगा कौन है? तो उसमें लिखना पड़ेगा कि प्रमोटर कौन है। आया समझ में? तो देखो, प्रोस्पेक्टस इट इज अ डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय अ पब्लिक कंपनी टू इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू शेयर्स एट द टाइम ऑफ पब्लिक ऑफर। इस पब्लिक ऑफर को आईपीओ बोलते हैं। सुलाका आएगा, प्रोस्पेक्टस भी उनको छापना पड़ेगा। अच्छा, जो भी कंपनी है उसको हर साल 30 जून के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को पूरे साल में शेयर होल्डिंग पैटर्न में बदलाव आया, कुछ कर्जा लिया, जो चेंजेस हुए उसका एक इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जिसको एनुअल रिटर्न बोलते हैं, वो रजिस्ट्रार को फाइल करना पड़ता है। तुमने सुना होगा पप्पा से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। इनकम टैक्स रिटर्न जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के लिए भी कुछ कंपलसरी रिटर्न है। ये एनुअल रिटर्न साल में एक बार जाता है 30 जून से पहले। तो उस एनुअल रिटर्न में भी इट इज अ ईयरली स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी के ओनरशिप कौन है, एक्टिविटीज क्या है, फाइनेंशियल पोजिशन। तो ये क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे बोला है ना, जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में दर्ज है या एनुअल रिटर्न में उसको आइडेंटिफाई किया गया है। आ रहा समझ में? सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि प्रमोशन वो सारे स्टेप्स है जो एक प्रमोटर लेता है कंपनी को जन्म करवाने के लिए। वो नहीं कर सकता, रजिस्ट्रार के पास वो ताकत है। उसको क्या सबमिट करना पड़ेगा? दो मेन डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम आर्टिकल्स और दूसरे डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये सारे डॉक्यूमेंट्स किसके पास सबमिट होगा? रजिस्ट्रार के पास। और उस स्टेप से वो हम डॉक्यूमेंटेशन में सीखेंगे। ये सिर्फ प्रमोशन या प्रमोटर क्या है। दूसरा, हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्ट और इनडायरेक्टली, वेदर एज अ शेयर होल्डर और अ डायरेक्टर। अब प्रमोटर है, तुमने शार्क टैंक देखा होगा, या तो वो खुद मैनेज कर रहा है कंपनी को, या उसने पैसा लगाया है और डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया है कि तुम मैनेज करो। बट वो उसको आइडिया आया है कंपनी का। कई बार ऐसे भी होता है, प्रमोटर्स लोग क्रिएट करते हैं कंपनी फिर बेच देते हैं, या उसने क्रिएट किया और एज अ शेयर होल्डर बोला कि मैंने आइडिया क्रिएट किया, नाउ यू मैनेज। लाइक मुकेश अंबानी जो जियो रिटेल, हम खुद मैनेज नहीं करते, आई थिंक जियो उनका लड़का आकाश और रिटेल उनकी डॉटर मैनेज करती है। तो 65 एज हो गई है, तो अभी आगे का जनरेशन संभालना शुरू कर देगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि प्रमोटर नॉट नेसेसरली दैट ही विल मैनेज। प्रमोटर का मेन रोल इन स्टार्टिंग द कंपनी। कंपनी शुरू होने के बाद चलाने का जवाबदारी किसका है? डायरेक्टर का। उनको अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? शेयर होल्डर। तो अपने हिसाब से वो डायरेक्टर को अपॉइंट करे या खुद डायरेक्टर बन के मैनेज करे, दोनों केस में इट इज ओके, या एडवाइस करे और फिर इन अकॉर्डेंस विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या इंस्ट्रक्शन दे सकता है उनको। तो लेट अस रिवाइज दिस। प्रमोशन क्या है? वो सारे स्टेप्स जो कि एक प्रमोटर लेता है कंपनी को जन्म करवाने के लिए। इस एक्टिविटी को प्रमोशन बोलते हैं, इंसान को प्रमोटर बोलते हैं, ग्रुप ऑफ इंसान को सिंडिकेट बोलते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा उसको मेमोरेंडम आर्टिकल्स मेन बोलते हैं, मेन डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद रजिस्ट्रार क्या देगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फिर थोड़ा रुक के एक और सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, और प्रमोटर का नाम कहाँ कहाँ आएगा? जब जैसे सुलह का मैंने एग्जाम्पल लिया, पब्लिक में प्रोस्पेक्टस लाएंगे तो प्रमोटर का नाम होगा। पब्लिक में क्यों लाएंगे प्रोस्पेक्टस? क्योंकि जब तुम शेयर्स के लिए अप्लाई करोगे तो फॉर्म भरना पड़ेगा, उस फॉर्म को क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस। और हर कंपनी को एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, कौन से तारीख से पहले? 30 जून, 30 जून से पहले फाइल करना पड़ेगा, उसमें भी उसका मेंशन हो सकता है प्रमोटर का। सो क्लियर कंसेप्ट ऑफ प्रमोशन और प्रमोटर? ओके, स्टार्ट्स विद एन आइडिया, एंड्स विद द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे प्रमोशन और प्रमोटर का वीडियो खत्म होता है।